जीविका दीदियों को 21,000 रुपए मानदेय देने की मांग को लेकर कल एप्वा की हजारों महिलाएं सड़कों पर उतरेंगी। मीरा तिवारी महासचिव एप्वा ने बताया कि कल जीविका दीदियों को 21,000 मानदेय देने की मांग को लेकर हजारों महिलाएं सड़कों पर उतरेंगी। 21,000 मानदेय देने की मांग को लेकर कल एप्वा और स्वयंसेवी महिला संगठनों की हजारों महिलाएं सड़कों पर उतरेंगी और विधानसभा मार्च करेंगी। जो प्राइवेट बैंक है तो वो फाइल ले रही है। कई महिलाओं ने कहा कि वो तो जो 4 महीने का है जीविका वाले माफ कर दिए हैं, लेकिन जो प्राइवेट बैंक है, माइक्रो फाइनेंस कंपनियां है, वो फाइल ले रही है। तो सोचिए, जिनको खाने के लिए नहीं है और उस पीरियड का मूलधन सूद और उसके ऊपर से फाइल, कितनी शर्मनाक बात है। तो ये प्राधिकार की बात उठ रही है कि कहीं कोई उसका लेखा जोखा नहीं है। तो ये सरकार प्राधिकार का गठन करे और उसका पूरा हिसाब किताब ले, ना लिया जाता है कैसे करे। और सारी मांग तो मीना जी, आप लोगों ने गवर्नमेंट से बात करने की कोशिश की है क्या इस विषय को लेकर, इस मुद्दे को लेकर? हम लोग पिछले जब से कोरोना के नाम पे लॉकडाउन लगा और हम लोगों ने इस सवाल को उठाया, उस समय तो सड़क पर नहीं आ सकते थे, लेकिन हम लोगों ने लगातार इस पर जो इन्होंने काम लोगों ने घर से शुरुआत की थी, धरना दिया मीडिया के जरिए, तमाम जरिए से सवाल को उठाया। और उसके बाद जब सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने जो राहत पैकेज की घोषणा की, उस राहत पैकेज में इन महिलाओं के लिए कुछ नहीं दिया गया। बड़े पूंजीपति जो देख रहे हैं कि अंबानी मुनाफे में गए हैं इस पूरे लॉकडाउन में, तो बड़े पूंजीपतियों पर ये सरकार इतनी मेहरबान है और जो इसके भुक्तभोगी गरीब महिलाएं थे उनकी, उनको कुछ नहीं मिला। आप जा रहे हैं, क्या कुछ सरकार के खिलाफ मांगे हैं आप लोग, क्या मांगते हैं? कल बिहार भर से स्व सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाओं का विधानसभा के सामने प्रदर्शन होगा। इसमें जो सरकारी समूह हैं और जो प्राइवेट संस्थाओं के जरिए समूह बन रहे हैं, उन दोनों ही समूह की महिलाएं शामिल होंगी, क्योंकि इन महिलाओं को जो कर्ज मिलता है उस कर्ज पर जो प्राइवेट संस्थाएं हैं वो तो मनमानी सूद लेती हैं। और लॉकडाउन के दौर में भी हमने देखा है कि जब महिलाओं के पास कोई आमदनी का जरिया नहीं था, यहाँ तक कि रिजर्व बैंक ने जिस समय रोक लगा दी कि अभी कर्ज की किस्त नहीं वसूली जाएगी, उस दौर में भी हम लोगों ने देखा है कि गरीब महिलाओं को काफ़ी परेशान किया गया, उत्पीड़न किया गया और उनको कर्ज वापसी के लिए बाध्य किया गया। तो इन सवालों को लेके यहाँ महिलाएं उतरेंगी कि सरकार जो बड़े बड़े पूंजीपतियों के लोन माफ़ कर रही है, लगातार उनको राहत पर राहत दी जा रही है, लेकिन इन गरीब महिलाओं ने जो अपने जीविकोपार्जन के लिए लिया था लोन और कोई आमदनी का जरिया नहीं बचा लॉकडाउन के दौर में, वो किस्त वापस करने की, लोन वापस करने की स्थिति में नहीं है, इसलिए सरकार उनका लोन माफ़ करे। तो इनकी जो ये मनमानी है, इनकी जो लूट है, इस लूट को रोकने के लिए सरकार एक प्राधिकार का गठन करे, एक नियमन बनाए, जो जो है एक नियम कानून के तहत बांधे। इस मांग को लेकर के भी कल हमारा बिहार विधानसभा के सामने, और खास कर जीविका कर्मी है उनको 21,000 रुपये न्यूनतम मानदेय मिले, ये मांग भी हमारी है और ये मांगों पर विधानसभा में। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.